नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुकेंगे और आप सामने दिखाई दे रहा होगा कि हाई स्कूल के एनसीईआरटी के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह आ गया है और इसमें आपके साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आएंगे वही क्वेश्चन को छांट करके इसमें लिए हैं और इसका पीडीएफ तैयार किए हैं। इसका पीडीएफ भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। किस किस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा गौर करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको ज़्यादा देखना है, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको याद करना है, ओके। ये पाठ का नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है, रसायन विज्ञान का पार्ट हम डाल चुके हैं और इसी तरह से हम जो विज्ञान का भी पार्ट डाल देंगे। विज्ञान के पूरे सारे पाठों का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे जिससे कि आप याद करने में और तैयारी करने में बहुत ही सहायता मिलेगी और इन क्वेश्चन को अगर आप याद कर रखते हैं, इनको तैयार कर रखते हैं, तो आपको जरूर परीक्षा में सफलता मिलेगी, ओके। इसी तरह सभी विषय की हम एक एक वीडियो हमेशा लाते रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए या स्टूडेंट के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। अगर आपके घर में कोई भी इंटर और हाई स्कूल से जुड़ा हुआ आपका कोई भी रिलेटिव्स है तो आप उसको इस चैनल से जोड़ सकते हैं और हाई स्कूल इंटर की तैयारी के लिए उसे अग्रसर करेंगे। तो हाई स्कूल के साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम आपको दिखाने चल रहे हैं। आप जरूर एक एक करके प्रश्न को आप देख लीजिए, हम जूम करके दिखा रहे हैं। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, अगली वीडियो फिर तुरंत आएगी इसके बाद ही अगले दिन, बस आप वेट करते रहिएगा। और आप अगर लेट में वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर मिल गई होगी, जाके चैनल पर उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रकाश को परिभाषित कीजिए। तो आप जानते हैं प्रकाश को परिभाषित करना, प्रकाश की परिभाषा लिखना है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश वह रूप है, मतलब वह प्ररूप है जिससे की सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ये तो पक्का जानते हैं। और जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है और वो उससे परावर्तित होकर कि वह किरण हमारी आंखों तक पहुंचता है जिसके फलस्वरूप हमें दिखाई देता है, जो वही प्रकाश के द्वारा होता है उस घटना को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश माध्यम को परिभाषित कीजिए। प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? इसका उत्तर, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इन प्रकाशिक माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसी को कहते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को निम्न तीन वर्गों में बांट सकते हैं, जैसा कि पहला है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शक माध्यम होता है जिसमें प्रकाश किरण इधर से उधर यानी पार हो सकती हैं। पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, तीनों माध्यम यही हैं। और आपका तीसरा क्वेश्चन है आपतन कोण परावर्तन कोण को परिभाषित कीजिए। ये छोटा सा पार्ट है, इसमें जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ले लिया है। इसके बाद अगला जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है वो अगला पार्ट आपको वीडियो जाकर चैनल पर मिलेगी, वो भी अगर आप लेट देख रहे हैं तो। अगर आप आज ही देख रहे हैं तो आपको कल मिल जाएगी। इसका उत्तर है कि आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण जो होता है वो आपतित किरण जो आती है और अभिलंब जो होता है उसके बीच में आपका आपतन कोण बनता है। और जो परावर्तित किरण हो जाती है, जब परावर्तित किरण हो जाए, आपतित किरण जब परावर्तित किरण होती है तो उसके बीच में अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण बनता है। तो इस तरह से ये दोनों कोण थे, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर चार है परावर्तन के प्रथम व द्वितीय नियम को लिखिए। प्रथम नियम आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। द्वितीय नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात जेड आई इक्वल जेड। यानी कहने का मतलब आपका हुआ कि प्रथम नियम में यह कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ, ये तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, सभी एक ही पृष्ठ। आपतित किरण और आपतित किरण आने वाली किरण होती है और परावर्तित किरण पर जो मुड़ करके जाती है वो किरण होती है, और अभिलंब वो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर
टकराती है और अभिलंब जिस पर वो टकराती है, तो जिस पर वो कोण 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी विलंब लंब के रूप में जो होता है वो एक ही तल में होते हैं। और इसी तरह से आपतन कोण, जो कोण बनता है आपतन कोण अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जितने कोण को आपतन होगा उतना परावर्तन होगा। इसके बाद दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, इनसे उत्पन्न के संचरण हेतु माध्यम उपयुक्त माध्यमों को समझाइए। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो आपको ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं, और ये प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे कि सूर्य हो गए, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गए, स्वयं प्रकाश। अदीप्त प्रकाश स्रोत तो होते हैं जो प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के कारण प्रकाश के परिवर्तित कर को प्रकाश देते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कला जैसे चंद्रमा हो गया, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो अदीप्त जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त होता है, जिसमें खुद का प्रकाश निकलता है वो दीप्त होता है। तो प्रकाश को परिवर्तित करना ये अदीप्त में होता है। और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब में आपको क्या क्या होता है, प्रतिबिंब क्या है, प्रकार प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, इसको अवास्तविक आभासी प्रतिबिंब का अंतर के लिए इस क्वेश्चन में ये है। प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या परावर्तन के पश्चात जिन बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर कोई वस्तु की बिंदु पर जो भी प्रकाश की किरणें जो परावर्तन पर मिलती हैं वो प्रतिबिंब होता है, लेकिन जो वस्तु का आकृत बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तीसरा से ये था। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब किसी वस्तु जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है जब किसी वस्तु पर वो बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश के लिए परावर्तन पर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में आपको वास्तव में वो प्रकाश किरणें मिलती हैं, वो किरणें जिससे कि वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाए, और ये वास्तव आती हुई प्रतीत होती है बिंदु किसी भी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसका फोटो, लेकिन फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है, और इस तरह की वीडियो आपको हम हमेशा लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, और लास्ट में आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपको मोबाइल कंप्यूटर और टेक्निकल संबंधी वीडियोज भी लाते रहेंगे, और उसके साथ साथ एजुकेशनल वीडियो हम आपको 6 लेकर 12 तक की NCERT की तैयारी कराएंगे। उसके बाद आपको मोबाइल टेक्निकल संबंधी वीडियोज भी डालते रहेंगे, मोबाइल और कंप्यूटर की भी वीडियो बनाते हैं, आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। ओके, आज वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर। अगली वीडियो फिर हम हर एक सब्जेक्ट की हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, आपका पक्का वादा है, बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगली वीडियो कल फिर मिलेगी इसके अगले पार्ट की, ठीक है, गोली दर्पण वाला। तो इसी तरह एक एक पार्ट मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी बन के तैयार हो गया। PDF जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगी। तब तक को संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।